जी कुर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पोटैटो चीज़ स्टिक्स। बहुत इजी रेसिपी है, आप उसको इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आपके घर मेहमान है, घर में कुछ ना हो तो भी इसको इजीली बना सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए, आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। चलो हम इसको ट्राई करते हैं। मेरी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज। मैंने यहाँ पे बॉयल करके पोटैटो ले लिए हैं और उनको मैंने ग्रेट कर लिए। सभी घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप इसमें डाल दीजिए ऑरिगेनो के 3 से 4 सैशे या 1 चम्मच बड़ा। साथ में मैं यहाँ पे मिला दूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर और साथ में मैं यहाँ पे इसमें खूब सारा चीज़ ऐड कर दूँगी। मैंने 3 से 4 पोटैटोज़ लिए थे तो मैं कम से कम 1 बड़ी कटोरी में इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका चीज़ी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी चीज़ के साथ ही। और चीज़ आप खुल के और भी ज़्यादा डाल सकते हैं जितना आप चाहें, बल्कि उसके अंदर उतना ही चाहिए जितना कि उसके अंदर मिक्स हो जाए आपके पोटैटोज़ जो आप बनाओगे। आप उसको मैश पोटैटोज़ के अंदर जो बनाओगे उसमें ऐड हो जाए। अब जैसे मैं इसको नमक सर्व डाल के इसमें 1 चम्मच आधी चम्मच करी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको इससे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 3 इन्ग्रीडियंट देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, पोटैटोज यूज़ कर रहे हैं बॉयल पोटैटो, सबके घर में अवेलेबल होते हैं। और साथ में मैंने ऐड किया खूब सारा चीज़। देखिए ये चीज़ मिक्स हो गया। मैं इसका अच्छा सा एक डो तैयार करूँगी। मैं चम्मच से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, अंदाजे से आप चम्मच से यूज़ करिए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बस इसको तब तक इसको डो मिक्स करूँगी जब तक इसका अच्छे से बन के डो तैयार ना हो जाए। और इसको खूब अच्छे से इसको मसल के आप इसको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आटे की तरह गूंथकर तैयार हो जाएगा। अभी देखने में ये इतना लग रहा है पर आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं इसमें थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें बारीक काट के लाल मिर्च या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या चिली रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ इसका डो तैयार हो गया है बन के। देखिए ये डो मुझे चाहिए था, हल्का सा पानी लगा के मैंने इसका डाल के चम्मच से डो तैयार कर लिया है। अब इसकी एक बॉल बन गई है। मैं इसको बटर पेपर में या जो आम फूड पेपर होता है उसमें इसको रख के डो को इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी यहाँ से। अब मैं इसको बेलन से इसको अच्छे से फ्लैट कर लूँगी। देखिए इससे क्या होगा, ये बेलन पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं और अच्छे से फ्लैट हो जाएगा, नहीं तो फट जाता। देखिए इसको अच्छे से मैं अभी फ्लैट हो गया। अभी इसमें थोड़ी और कसर है, बिल्कुल हाथ से चेक कर लीजिए, बहुत मोटा नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं पतले पतले बना रही हूँ। अगर उसे ना हो तो आप बेलन पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा वेस्ट पार्ट निकाल दूंगी मैं इसमें से, जो बाद में दोबारा से बना लूंगी। अब मैं इसमें लंबा इसमें कट लगा दूंगी, क्योंकि चीज़ स्टिक्स हैं, आपको इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप बॉटल के ढक्कन से ही, आपके पास कटर है राउंड कटर है, आप उससे ही बना सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लंबा मैंने इसको कट कर लिया है। जो वेस्ट पोर्शन है वो मैं इसको निकाल लूंगी, इसकी मैं बॉल बना के दोबारा से बना लूंगी। अब बहुत लंबी जो है वो फ्राई नहीं हो पाएगी पैन में, तो मैं इसमें बीच में से और कट लगा के छोटी स्टिक्स बना दूंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप इसको कितना लंबा करना चाहते हैं कि जिससे कि उठाते हुए टूटे भी ना। देखिए मेरी स्टिक्स जो है वो तैयार हो गई। आप इसको ऐसे भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसको मैं बस यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। आप इसको आराम से बिल्कुल मीडियम आँच पे इसको बनाइए फ्रेंड, नहीं तो एकदम से जल जाएंगी, ये ज़्यादा जल जाएंगी। इसको मीडियम उस पर फ्राई कीजिए, क्योंकि चीज़ है, चीज़ के ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो मैं नहीं चाहती वो चीज़ एकदम से बर्न हो। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको बनाइएगा आप, कोशिश कीजिएगा तलने की। देखिए कितने सुंदर ये मेरी जो है फिंगर्स हैं, चीज़ फिंगर्स हैं जो बनकर तैयार हो गई हैं, कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है इनको। अब मैं इनको सर्व करती हूँ। देखिए कितनी ईजी हैं, 3 इन्ग्रीडियंट से बनकर ये तैयार हो गई हैं। बाकी आप इसमें मसाले अपने चॉइस से डाल सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए इस मील को। और ये होममेड चीज़ स्टिक्स हैं, बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप लंच बॉक्स में बच्चों के स्कूल के। देखिए कितनी चीज़ी और कितनी है। आप इसमें डालना चाहें तो आप और चीज़ डाल सकते हैं। मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा दिखा दूँगी आपको। देखिए ऊपर से ये बहुत क्रंची हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, चीज़ है अंदर इसमें। देखिए कितनी ईजी थी, जो लेडीज़ घर में रोटियां भी बनाती हैं तो उस टाइम भी बन सकती हैं, पोटैटो सबके पास होते हैं। आप इसको एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।